हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कल आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है, तो इसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी है और किन किन क्वेश्चनों को ध्यान में रख के आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। मैं यहाँ आपके लिए बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन ढूंढ रही हूँ, साथ में जितने भी मेरे पास क्वेश्चन पेपर्स हैं आपकी हेल्प के लिए मैं सबको एक साथ मिलाकर आपको उनको समझा के भी बताऊँगी। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं या जिन शब्दों का मीनिंग आपको नहीं पता है उनको मैं वेरिटेटेड आपको समझाऊँगी। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे दो नंबर में क्वेश्चंस आ जाते हैं हर एक क्वेश्चन पेपर में जिनका आपको मीनिंग ही नहीं पता होता, आप उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो वन बाय वन मैं आपको यहाँ पे मैथ्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको समझाने जा रही हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बेस्ट एफर्ट्स कर रही हूँ। साथ में बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आपको आपके कॉन्टेंट से रिलेटेड नई वीडियो यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिले और आप उसको प्री प्लान कर पाएँ। चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पे सेट नंबर सी डीएड मैथ का लेकर आई हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं गणित शिक्षा की प्रवीणता और शिक्षा शास्त्र, ये क्वेश्चन पेपर आपका सी पार्ट रहेगा। कोड नंबर यहाँ पे 207 है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ अब किस तरह के क्वेश्चंस आपके जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, रिपीटेड ही होते हैं, मैक्सिमम रिपीटेड होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन सेट्स जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये बिल्कुल भी बंक नहीं करने हैं, कहीं भी स्किप नहीं करनी है वीडियो, क्योंकि आपके लिए ही है ये वीडियो, मेरे लिए नहीं है। आपकी पूरी हेल्प मुझे करनी है, इसीलिए मैं ये वीडियो यहाँ पर लेके आई हूँ। मैथ्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके मीनिंग आपको हिंदी में समझ नहीं आते, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके बाइलिंगुअल तो होते ही हैं, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये क्वेश्चन पेपर हैं जो यहाँ पर मिलेंगे। इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, व्हाट इज हाइपोथेसिस, एक्सप्लेन, प्रीकल्पना क्या होती है और इसका आपको वर्णन करना है। प्रीकल्पना के लिए मैंने एक पूरा ऐसे टाइप क्वेश्चंस का वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, उसका जो लिंक है मैं इसमें डाल दूँगी और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वहाँ इस क्वेश्चन को देख कर तैयारी कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, अभिगृहित से क्या अभिप्राय, यानी एक्सियोम्स पे आपका मतलब क्या है, क्या समझते हैं आप एक्सियोम से। चलिए इस क्वेश्चन को भी मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे अभिगृहित का मतलब होता है कुछ ऐसे सम्स होते हैं जो आपको प्रूव करने होते हैं, स्वयं सिद्ध करने होते हैं, और वो उनका कोई अन्य तरीका नहीं होता कि आप उनको वेरीफाई कर सकें। तो गणितीय तर्कशास्त्र में जिसका संगणक विज्ञान और दार्शनिक तर्कशास्त्र से निकट का संबंध होता है, संगणक आपको पता ही कौन होता है, कंप्यूटर विज्ञान। तर्कशास्त्र का गणितीय अध्ययन और गणित के जो अलग मेथड्स होते हैं उनमें तर्कशास्त्र के अनुप्रयोग दोनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। प्रायः गणितीय तर्कशास्त्र को समुच्चय सिद्धांत, मॉडल सिद्धांत या रिकर्सन सिद्धांत तथा सिद्धि सिद्धांत नामक क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। तो अभिगृहित भी इसका गणितीय तर्कशास्त्र का ही एक पार्ट है, जिसको डेफिनेशन के रूप में आप लिखेंगे कि स्वयं सिद्ध करके उसको प्रूव करना। तो देखिए, समस्या समाधान विधि का मतलब क्या होता है कि जिस भी क्षेत्र में बालकों को प्रॉब्लम आती है, समस्याएं आती हैं, या आप बोल सकते हो गणित की पाठ्य पुस्तकों में परंपरागत तरीकों से घिसी पिटी या काल्पनिक, यहाँ पे देखिए समस्याओं का संकलन होता ही है, ये समस्याएं विद्यार्थी में उन्हें हल करने हेतु तो कोई उत्साह ही पैदा नहीं कर पाती। इसके ऊपर आप देख सकते हैं जॉन डेवी थॉर्नडाइक है, बगलेस्की ने भी शोध किए हैं, तो इसको हम डिटेल में समझेंगे कि क्या ये समस्याएं हो सकती हैं, कैसे होती हैं। ये दो नंबर का क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसको बताऊंगी ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होता है, जिसमें बालकों में तर्क व निर्णय लेकर किसी समस्या को सुलझाने की क्षमता का विकास करना। एक अच्छा अध्यापक है उन समस्याओं का, यानी कि बालकों की रुचि और उनकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग ऐसी समस्याओं का निर्माण करता है जिससे बालक का जो है मानसिक विकास, तार्किक विकास हो सके। ये क्वेश्चन आपका है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। समस्या समाधान तभी संभव होता है जब जीवन स्थल जो होता है रचना ग्रहण कर लेता है, यानी कि जो बच्चा इनोवेटिव होता है तभी जाकर इन समस्याओं का समाधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गोले की परिभाषा लिखिए, यानी डेफिनेशन ऑफ स्फेयर, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर, यदि किसी अर्धगोले के वक्र
पृष्ठ का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर .2 हो तो उसकी आप इसको करके दिखाइए। तो ये आपका जो सम है इसको आपको सॉल्व करना है। दो नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा है, आपको यहाँ पे गोले को ड्रॉ करके दिखाना है, सॉल्व करके दिखाना है। आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं तो आप इस सम को जो है अच्छे से कर पाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, निबंधात्मक परीक्षा क्या होती है जिसमें बालक को कोई गद्य या कॉम्प्रिहेंशन दे दिया जाता है जिससे कुछ क्वेश्चन उसको फाइंड आउट करने होते हैं और उसका मानसिक या बौद्धिक विकास वहाँ से होता है और उसी टेस्ट के अकॉर्डिंग उसके जो है IQ टेस्ट भी मापा जाता है। सिक्स है, व्हाट इज नरेटिव रिपोर्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट क्या है जिसमें आप किसी भी व्यक्ति से रिलेटेड कोई भी डिटेल है जो उसको नरेट करके यानी कि विस्तार पूर्वक आप लिखेंगे और खुद ही लिखेंगे, आपको उस पर अच्छे से कमांड होनी चाहिए। सेवंथ क्वेश्चन है, लघु उत्तरात्मक प्रश्न की विशेषताएं क्या होती है, इसमें बालक को विस्तृत न पढ़कर छोटे ही रूप में उसको डिटेल में लिखना होता है और साथ में इसमें क्या होता है शब्दों की जो है सीमितता होती है, यानी शब्दों को सीमित भाषा में लिखकर वो मुख्य मुख्य बिंदुओं को दर्शाता है और अपने जो भाषा कौशल पर पकड़ को दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए, गणित की संरचना में स्वयं सिद्ध परिभाषाएं प्रमेय किस प्रकार सहयोगी हैं, यानी स्वयं सिद्ध या एक्सिनोम मैंने आपको करवा दिया, दो नंबर में था, इसकी परिभाषाएं और प्रमेय किस प्रकार सहयोगी है, स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स और थ्योरम्स डेफिनेशंस। आपको ये तीन टाइप से करना है, पहले तो आप बताएंगे गणित की संरचना में स्वयं सिद्ध यानी एक्सिओम, फिर इसकी परिभाषाएं और प्रमेय किस प्रकार सहयोगी होते हैं। पांच नंबर का क्वेश्चन आपको तीन पार्ट में यहाँ पे सॉल्व करना है। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिंग थिंकिंग इन मैथमेटिक्स, क्लियरिफाई इट, गणित में सृजनात्मक चिंतन से आप क्या समझते हैं। पांच नंबर का क्वेश्चन है, अभी इसको भी मैं आपको बताती हूँ, डिटेल्ड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं सृजनात्मकता या रचनात्मकता, दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है, एक ही नाम है दोनों। सामान्य रूप से जब हम किसी वस्तु या घटना के बारे में विचार करते हैं जो हमारे मन मस्तिष्क में अनेक प्रकार के विचारों का प्रादुर्भाव होता है, यानी जब हमारे दिल दिमाग पर अनेक विचारों का जो है प्रभाव पड़ता है या हमारे दिमाग में तरह तरह के विचार आते हैं, तो जो भी विचार वो जो है उत्पन्न होते हैं उन विचारों को हम व्यवहारिक रूप देने के लिए पक्ष और विपक्ष, लाभ और हानि हमारे समक्ष आती हैं, इस स्थिति में हम अपने विचारों की सार्थकता और निरर्थकता को पहचानते हैं। सार्थक विचारों के व्यवहार को हम प्रयोग करते हैं, यानी एक तरह से हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, हम कोई भी काम करने से पहले जो भी हमारे मन में सार्थक विचार आते हैं फिर पूरी तरह से उसको सेट करने के बाद तो उसी को हम सृजनात्मक चिंतन कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं अभी आपको यहाँ पर बताती हूँ, जेम्स वॉट एक वैज्ञानिक था, उसने रसोई घर में आने वाली एक आवाज़ को सुना और जाकर देखा कि चाय की केतली का ढक्कन बार बार उठ रहा है और गिर रहा है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये सामान्य घटना थी, परंतु सृजनात्मक व्यक्ति के लिए तो सृजनात्मक चिंतन का विषय था। यहीं से हुआ इनोवेशन, यानी कि रचनात्मकता यहीं से शुरू हुई। अब यहाँ से जेम्स वॉट ने सोचा कि भाप में तो शक्ति होती है, इसके लिए उन्होंने केतली के ढक्कन पर पत्थर रख दिया और उसकी शक्ति का प्रशिक्षण किया कि अब क्या होगा। उसके बाद उसका उपयोग दैनिक जीवन में करने पर विचार किया, भाप के इंजन का निर्माण करने की सफलता वहीं से आई। तो आपको मैंने ये बताया सृजनात्मकता की परिभाषा और उदाहरण के साथ बताया है। परिभाषाएँ आप किसी की भी लिख सकते हैं, इसमें आपकी बुक से भी याद कर सकते हैं। इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो मैं इसकी विशेषताएं भी आपको करवा देती हूँ। सृजनात्मक व्यक्ति जिज्ञासु होता है, यानी उसमें चीज़ों को करने की लालसा होती है, उसका दिमाग जो है शांत नहीं बैठता, कुछ ना कुछ वह घटना के लिए जो है मूल तथ्य और कारण ढूंढने की कोशिश करता रहता है। सृजनात्मक व्यक्ति चुनौतियाँ पसंद करते हैं, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, क्वेश्चन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सृजनात्मक व्यक्ति प्रयोगों से भयभीत नहीं होते, यानी कि वो प्रयोग करते रहते हैं। सृजनात्मक व्यक्ति उच्च मानसिक स्तर के होते हैं, आलोचनात्मक चिंतन और सृजन में विश्वास रखते हैं, विश्लेषण और संश्लेषण की उनमें योग्यता होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग वो करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि रचनात्मकता हमेशा ब्रेनस्टॉर्मिंग से ही होकर होती है, अनुसंधान की प्रवृत्ति होती है उनके अंदर,
प्रमाणिक तथ्यों का संकलन करने में, यानी कि साबित करने वाले जो उनके पास डेटा होते हैं वो इकट्ठा करने में विश्वास रखते हैं, उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, आकलन से आपका क्या तात्पर्य है? आकलन के उद्देश्य के बारे में बताइए, यानी मीन ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट आप जानते हैं स्कूली कॉलेज तौर पर असेसमेंट क्या होती है, यानी वो आपका असेसमेंट, आपका आंकलन किया जाता है टीचर्स के द्वारा। इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि इसके उद्देश्य क्या होते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको अभी बताती हूँ कि किस तरह से आपको इसको करना है, यानी आंकलन से आपका अर्थ बताना है आपको इसका और इसके उद्देश्य बताने हैं। आंकलन का अर्थ देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है। आंकलन जो होता है आंकलन जो है डेटा इकट्ठा करने और उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया होती है, जिसे हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी क्या जानता समझता है उसके शैक्षिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान के परिणाम को व्यक्त करना आंकलन कहलाता है, जिससे क्या होता है छात्र के अधिगम में वृद्धि होती है। अब इसमें आप किसी की भी डेफिनेशंस लिख सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। आंकलन इरविन के अनुसार आंकलन छात्रों के अधिगम और विकास के व्यवस्थित आधार का अनुमान है। यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन करना, रचना करना, संग्रहण करना यानी इकट्ठा करना, विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, उसकी एक्सप्लेनेशन करना और उस सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र का विकास और अधिगम बढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है। ये तो इसकी डेफिनेशन रही, अब हम इसके उद्देश्य कर लेते हैं। देखिए, आंकलन और मूल्यांकन दोनों ही एक जैसे होते हैं। आंकलन द्वारा विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता को बढ़ाने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए उनमें सुधार या पृष्ठ पोषण किया जाता है। यह मूल्यांकन का एक छोटा रूप है। इसके शैक्षिक महत्व जो है निम्नलिखित है। देखिए, सबसे पहले शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए आंकलन किया जाता है। इसको आप डिटेल में लिख सकते हैं। शिक्षक और छात्र के स्वयं यानी दोनों के मूल्यांकन के लिए जरूरी होता है। छात्र की प्रगति का पता लगाने के लिए, जैसे कि छात्र ने क्या सीखा है, छात्र ने अपने जीवन में नए ज्ञान कौशलों में किसका प्रयोग किया है, क्या छात्र नए ज्ञान के बारे में जानते हैं। फिर है वैधानिक पृष्ठ पोषण यानी कि फीडबैक देने के लिए, छात्र के ज्ञान के संदर्भ में, प्रदर्शन के संदर्भ में, आवश्यकता के संदर्भ में, और इसके साथ है विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति में मूल्यांकन या आंकलन। दोनों लिख सकते हो आप। छात्रों की समझ का स्तर ज्ञात करने में अधिगम की प्रगति, शिक्षण की शिक्षण विधियों के द्वारा शिक्षक की शिक्षण विधियों के सुधार के लिए आंकलन हो सकता है। छात्रों को कक्षा में उचित स्थान निर्धारण करने में, यानी कि छात्र जो हैं उनमें अधिगम लर्निंग के जो अधिगम जो विकास करके उसका ज़्यादा उसको कक्षा में जो है उचित स्थान। यहाँ पे देखिए, आंकलन को तीन मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, जैसे स्वयं आंकलन, सहपाठी सहयोगी समूह या ट्यूटर आंकलन। स्वयं आंकलन में क्या होता है कि जो अपने आप, जैसे कि स्नातक बीएड छात्र होते हैं, वे अपना आंकलन करते हैं, अपनी कमियों को जानने का प्रयास करते हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। सहपाठी सहयोगी क्या होता है, एक दूसरे की कमियों को ढूंढते हैं, उनमें वो ज़्यादा प्रभावी रूप से विकास करने की ओर ध्यान देते हैं, विस्तृत करने की ओर ध्यान देते हैं। छात्र एक दूसरे में विश्वास सहयोग की भावना जागृत करते हैं, निष्पक्ष रूप से पृष्ठ पोषण फीडबैक देते हैं, वे स्वयं शिक्षक की भांति ही एक दूसरे का आंकलन करते हैं। तीसरा है इसमें ट्यूटर आंकलन। जब शिक्षण कर्मचारी आंकलन करते हैं तो ट्यूटर आंकलन कहलाता है। इसमें ट्यूटर और शिक्षक छात्रों के कार्यों में फीडबैक देता है कि भी आपने ये काम अच्छे से किया या आपके इस काम में कोई भी कमी रही है। उदाहरण के रूप में देख लीजिए, यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल है। जैसे कि दिए गए कार्य में, जिसमें छात्रों को विस्तृत टिप्पणी के साथ वापस किया जाता है, यानी कि कोई भी प्रैक्टिकल काम जो है बच्चों को देते हैं और वो वापस करते हैं, तो इस योगात्मक आंकलन में श्रेणी और अंकों का बंटवारा सम्मिलित होता है। आपको पता ही है उसमें ग्रेड या अंक मिलते हैं। इसकी सहायता से शिक्षक जो है छात्रों के प्रगति के बारे में निर्णय लेता है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण व तर्क कौशल के मूल्यांकन का आंकलन किस प्रकार किया जाता है, इसको विस्तार से आपको बताना है। इस क्वेश्चन को भी मैं आपको वेरी डिटेल बताने जा रही हूँ। 5 नंबर का क्वेश्चन है। लिखने का तरीका और मुख्य बिंदुओं के बारे में जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। अभी चलिए हम देख लेते हैं गणित अधिगम में आंकलन के उपागम, या फिर जैसे कि क्वेश्चन है आपका संप्रेषण व तर्क कौशल में मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है। तो गणित अधिगम का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष या कंक्लूजन बोल सकते हो, संप्रेषण के तरीकों का विकास करना है। यानी मैथ्स की भाषा में किस तरह से बातचीत की जा सकती है, या जो रिटन वर्क होता है जो विशेष रूप से सुस्पष्ट, तर्कपूर्ण, उपयोगी और अनुशासित होता है। मौखिक और लिखित दोनों प्रकार के संप्रेषण हो सकते हैं मैथ्स में। योग में चिन्हों का उपयोग आकृति, आलेख, चार्ट, ये लिखित संप्रेषण को ज़्यादा सुस्पष्ट और क्रमबद्ध कर
दोस्तों आप सभी जानते हैं इस बारे में कि मैथ्स में जो संप्रेषण कम्युनिकेशन किस तरह से होता है। हम मैथ में संप्रेषण जो है आकृति आलेख चार्ट लिखित संप्रेषण जो सिंबल्स होते हैं मैथ के क्रमबद्ध जो फॉर्मूलेज होते हैं उनके द्वारा हम जो है कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण करते हैं। गणितीय संप्रेषण के इन पहलुओं को आंकलन के दोनों रूप औपचारिक और अनौपचारिक इन दोनों में शामिल किया जाता है। मैं इस क्वेश्चन को आपको आगे करवा रही हूँ। देखिए इसमें आंकलन जो है संप्रेषण कौशल का मैंने आपको बताया। संप्रेषण कौशल में क्या करते हैं बच्चे जो हैं आरेखों से चित्रों से फॉर्मूला होते हैं या सिंबल्स होते हैं जो मैथ के उसके द्वारा संप्रेषण करते हैं। और संप्रेषण को आंकलन या मूल्यांकन करने का तरीका इसमें सतत व्यापक मूल्यांकन द्वारा ही होता है। इसमें एक मेन चीज़ आपको डायग्राम के द्वारा मैं बता देती हूँ कि इसमें आंकलन में किया क्या जाता है यानी गणित में आंकलन करते कैसे हैं, उसमें चीज़ें क्या हैं जो एक अध्यापक ढूंढता है, गणित की ओर रुझान है या नहीं बच्चे का, अवधारणा या कॉन्सेप्ट और जो प्रोसेस बच्चा समझ रहा है या नहीं है, गणितीय वार्तालाप यानी कि गणित में जो संप्रेषण है उससे अच्छा हो पा रहा है यानी कि फॉर्मूला सिंबल्स वो उसको याद है कि नहीं, गणितीय ज्ञान की समस्या समाधान में प्रयोग वो क्या करता है, किस प्रोसेस किस मेथड को वो यूज़ करता है, गणितीय तर्क शक्ति यानी कि उसमें बिल्कुल एक तरीके से तर्क शक्ति का विकास हुआ है या नहीं हुआ है, ये चीज़ें वो ढूंढता है अध्यापक अपने बालक में जब वो उसका मूल्यांकन करता है संप्रेषण कौशल या तर्क कौशल के आधार पर। तो ये मेथड्स आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। अब चलिए इसको अगर थ्योरेटिकल मैं बताऊँ यहाँ पर तो इसमें देखिए यहाँ पर आंकलन प्रक्रिया को सतत बनाने के लिए आंकलन क्रियाकलाप पूरे सत्र में यानी कि पूरे साल होना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है कि आंकलन में जो नियमितता बनी रहेगी बार बार इकाई परीक्षण होता रहेगा यूनिट टेस्ट होते रहेंगे विद्यार्थी की अधिगम कठिनाइयों की पहचान होती रहेगी सुधार कार्रवाई होती रहेगी उनमें विद्यार्थी को उनकी प्रगति से अवगत यानी कि कितने बालक प्रोग्रेस हो चुके हैं उनको खुद भी फील होगा कि वो अब मैथ्स के किस लेवल पर हैं। दूसरे शब्द में सतत के बाद सतत होता है कॉन्टिन्यूस। अब यहाँ पे व्यापक की अगर हम बात करें तो व्यापक में क्या है विद्यार्थी के शैक्षणिक और पाठ्यक्रम सहभागी पक्षों के विकास का आंकलन किया जाता है क्योंकि विद्यार्थी की सभी योग्यताओं के विकास का लिखित और मौखिक क्रियाओं में आंकलन नहीं किया जा सकता इसलिए विद्यार्थी के विकास के सभी पहलुओं का आंकलन करने के लिए विभिन्न उपकरण या विधियों का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें विधियाँ कौन सी होती हैं परीक्षण या गैर परीक्षण विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। अब गणित में आंकलन गणित शिक्षण के उद्देश्य से ही जुड़ा होता है। विद्यालय के आरंभिक वर्षों में विद्यालयी गणित का उद्देश्य उपयोगी क्षमताओं और गणित की सोच व तर्क को शक्ति को विकास करना होता है। उपयोगी क्षमताओं में अवधारणा और समस्यात्मक समझ समस्या समाधान और गणितीय प्रतिरूप समेत होते हैं जैसे कि वाई गोष्ठी ने बताया था। गणित अधिगम के दौरान बच्चे में आत्मविश्वास सृजनात्मकता और संवाद क्षमता को अभिव्यक्त करना होता है अवधारणाएं और चिन्हों का उपयोग करके इसको पूरक रूप देते हैं। अब प्रारंभिक स्तर पर गणित में आंकलन निम्नलिखित पदों पर निर्भर करता है जैसे इसमें देखिए आगे बच्चे कैसे सीखते हैं बच्चे विद्यालय पाठ्यक्रम में गणितीय अवधारणों को समावेश कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं विद्यार्थियों का जो गणितीय ज्ञान है वो कैसा है तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है। सिक्सटीन क्वेश्चन है आपका सेक्शन सी से यहाँ पे देखिए इस सम को आपको सोल्व करना है। स्टेटमेंट इसकी आप पढ़ लीजिए इसमें क्या दे रखी है 29200 को दो भागों में बांट दिया जाता है। पहले भाग को 6% वार्षिक दर से 8 वर्षों के लिए दूसरे भाग को 8 वार्षिक दर से 7 वर्षों के लिए कर्ज दिया गया। अब दोनों भागों पर प्राप्त साधारण ब्याजों में क्रमशः 7:4 का अनुपात हो गया तो दूसरे भाग की राशि क्या है इसको आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट देखिए एक एक विधि का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए यानी यूनिटरी मेथड विद एग्जांपल इसको भी मैं आपको अभी बताती हूँ करके। देखिए यूनिटरी मेथड होता क्या है अगर हम सिंपल जो साधारण शब्दों में कहें एकात्मक विधि का प्रयोग किसी दिए गए गुणज में से किसी एक इकाई का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है जैसे कि 40 पेन की कीमत 400 रुपये तो यहाँ एक पेन का मूल्य कैसे ज्ञात करें यह एकात्मक विधि का सबसे अच्छा उदाहरण है। साथ ही एक बार जब हमें एक इकाई का मान ज्ञात कर लेते हैं तो एकल मान इकाई गुणा करके आवश्यक इकाइयों के मूल्य की गणना कर सकते हैं। इसमें अनुपात और अनुपात अवधारणा के इस पद्धति का प्रमुख रूप से उपयोग किया जा सकता है यानी इसमें आप अनुपात विधि का प्रयोग करेंगे। अब इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए उपरोक्त प्रश्न में इकाइयों
और मूल्यों की पहचान करने का प्रयास करें। किलोमीटर और यहाँ पे अज्ञात दाहिनी हाथ की ओर, लीटर ईंधन की संख्या ज्ञात बाईं ओर। अब हमें इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करना है। चलिए देखते हैं। 15 लीटर 150 किलोमीटर दे रखा है, 1 लीटर 150/15 यानी कि 10 किलोमीटर आ गया। यहाँ पे 10 लीटर तो 10 × 10 100 किलोमीटर हुआ। अब कार 10 लीटर ईंधन पर 100 किलोमीटर चलेगी, तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे पूरा होगा। अब इसमें नेक्स्ट देखिए, अनुपात और समानुपात में एकात्मक विधि क्या कार्य करती है। यदि हमें एक मात्रा की दूरी, एक मात्रा का दूसरी मात्रा से अनुपात ज्ञात करना है तो हमें एकात्मक विधि का उपयोग करना होता है। इसमें एक एग्जाम्पल यहाँ ये भी दे रखा है, आप इसको भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व करके देखिए। किसी भी चीज़ को मैथ्स की टॉपिक कंटेंट को अगर आप उदाहरणों से समझाएंगे, उदाहरण लिखेंगे आप क्वेश्चन पेपर में, तो आपके नंबर जो है बहुत हाईएस्ट जाने वाले हैं। ये मैं ट्रिक आपको बता रही हूँ, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन अगला है आपका, फलनीय संबंध बताने हैं आपको मैथमेटिक्स में क्या होते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा कर लेते हैं। दो वस्तुओं के ऐसे जोड़ को जिन्हें एक क्रम में प्रकट किया जाता है उन्हें क्रमित युग्म कहते हैं। जैसे ए और बी दो समुच्चय हो तो क्रमित युग्म एक्स वाई से तात्पर्य यह है कि इसको एक्स ई ए तथा वाई ई बी माना जाता है। अब क्रमिक युग्म की समानता क्या होती है, इसमें ए बी सी डी समान होंगे, उनके संगत घटक समान हो, अर्थात ए कोमा बी इज इक्वल टू सी कोमा डी इज इक्वल टू ए। इस तरह से जो ये फॉर्मूला जिसका जो दे रखा है इसको आप ऐसे दर्शाइएगा। दो चार इसमें एग्जांपल जो भी हैं आप दे सकते हैं। अब इसमें अगर हम संबंध की बात करें तो यहाँ पे देखिए डायग्राम भी आप जो है क्वेश्चन पेपर के थ्रू आप उसमें अपने आंसर शीट पे लिख सकते हैं। इसका डायग्राम अगर आप दिखा देते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा कि आप किस तरह से फलनीय संबंध या फंक्शनल रिलेशनशिप को दिखा सकते हैं, तो आपके मार्क्स और अच्छे बनेंगे। इसमें और भी है यहाँ पे संबंध के लिए, देखिए संबंधों की कुल संख्या, संबंध का निरूपण या रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन, ये आप सारी चीज़ें इसमें डिफाइन कर सकते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, आपको किस तरह से इसको डिफाइन करना है ये आप अपने क्वेश्चन पे निर्भर करता है। नेक्स्ट है इसमें पाठ योजना से आप क्या समझते हैं। गणित शिक्षण में पाठ योजना की आवश्यकता और महत्व बताइए, यानी पाठ योजना की आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, बनाना नहीं है, सिर्फ आपको इसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन है तो यहाँ पर इसको दो दो पार्ट में, एक 4 पार्ट यानी कि जो पाठ योजना से आप क्या समझते हैं 4 नंबर का, फिर इसके बाद आपको गणित योजना की जो आवश्यकता है और महत्व, ये दो दो नंबर में आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट कीजिएगा।